हेलो फ्रेंड्स, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रोनोफा डिफ्रेक्शन ड्यू टू डबल स्लिट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फ्रोनोफा डिफ्रेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, उसका यूज भी करेंगे। अगर वो लेक्चर आप लोगों ने पहले नहीं देखा तो पहले उसको कवर कर लीजिए, फिर इस लेक्चर पर आएंगे। सो फ्रोनोफा डिफ्रेक्शन ड्यू टू डबल स्लिट। Suppose these are the two slits, one is this and another one is this. This is the perpendicular bisector and here is the screen. Suppose separation of the screen from the slits is capital D. This is the center of the screen, O. Suppose the width hai slit ki, ye slit width, suppose ye hai D. ये भी डी, सो डी है स्लिट विड्थ। और जो दो स्लिट है ये, इनका एंड टू एंड सेपरेशन, मतलब इस एंड से इस एंड तक का सेपरेशन है सपोज ई स्मॉल। सो इन दोनों के सेंटर के तो सेपरेशन होगा, सेंटर टू सेंटर हो जाएगा ई प्लस डी, क्योंकि ये भी डी बाई टू, ये भी डी बाई टू, so e plus d by 2, so e है end to end separation between the slits। यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, वो क्यों लेते हैं, वेव फ्रंट को प्लेनर करने के लिए, और उस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर रखते हैं पॉइंट सोर्स। सो यहां पर सपोज एक पॉइंट सोर्स और ये कॉन्वेक्स लेंस जिसके फोकस पर रखा है ये, तो यहां से लाइट वेव चलेगी और फिर इससे पास करने के बाद हो जाएगी पैनल, तो वेव फ्रंट हो जाएगा पैनल। अब इन दोनों स्लिट से वेवलेट चलेगी जिनके बीच में सुपरपोजिशन होगा और यहां पर फ्रिंज पैटर्न हमें मिल जाएगा। सपोज किसी पॉइंट पी पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहां पर, तो यहां से भी वेव चलेगी इससे और इससे भी। अब यहां पर जो एक स्लिट है, एक स्लिट के डिफरेंट पॉइंट से जो सेकेंडरी वेवलेट्स आ रही है उनके बीच में सुपरपोजिशन की वजह से कौन सा पैटर्न बनेगा, डिफ्रेक्शन, जो हमने सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन में किया है। लेकिन यहां से चलने वाली सेकेंडरी वेव और दूसरी स्लिट से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स के बीच में जो सुपरपोजिशन होगा, दैट विल बी इंटरफेरेंस पैटर्न। सो इंडिविजुअल स्लिट का बनेगा डिफ्रेक्शन पैटर्न और दोनों स्लिट के सुपरपोजिशन की वजह से जो पैटर्न बनेगा इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट हो जाएगा दैट इज द पैटर्न फ्रिंज पैटर्न ड्यू टू डबल स्लिट डिफ्रेक्शन एज वेल एज इंटरफेरेंस, दोनों का रिजल्टेंट। अब वही करना है, अब सिंगल स्लिट का डिफ्रेक्शन हमने कर लिया कवर, तो जो सिंगल स्लिट की वजह से सुपरपोजिशन होता है सेकेंडरी वेवलेट्स के बीच में उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा, जो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया है। सो एम्पलीट्यूड ड्यू टू सिंगल स्लिट इस आर से हमने रिप्रेजेंट किया था ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा, जो यहां से वेव्स आ रही है उनके बीच में सुपरपोजिशन की वजह से जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो ये होता है, वेयर अल्फा इज पाई डी साइन थीटा अपॉन लैम्डा, थीटा क्या है एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन। तो यहां से वेव चली इन दोनों के बीच में, ये एंगल भी थीटा है ये, और ये भी एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन थीटा, दोनों एंगल नियरली इक्वल बिकॉज डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ई और स्मॉल डी, ये हम कंसीडर करते हैं। अब जो यहां से वेव चली इनका जो सुपरपोजिशन, इनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो भी आर है, और यहां से जो वेव चली उनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो भी आर। तो ये जो दो स्लिट्स है ये दो सोर्स की तरह हम यूज कर सकते हैं, मोनोक्रोमेटिक सोर्स की तरह, मतलब पॉइंट सोर्स की तरह। यहां पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर और यहां से निकलने वाली वेव का भी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर। अब इन दोनों का सुपरपोजिशन, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर और आर की वजह से आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस भी पता होना चाहिए, दोनों वेव एक ही है, एक ही है, तो फेज डिफरेंस इस पाथ डिफरेंस से आ जाएगा ये,
ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा। अब जो यहां से किसी एक पॉइंट से सेकेंडरी यूनिट चलेगी, यहां से किसी एक पॉइंट से सेकेंडरी यूनिट चलेगी कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में तो सेपरेशन हो जाएगा, दैट विल बी ई प्लस डी। जैसे सेंटर टू सेंटर, या इस एंड और इस एंड के बीच में ई प्लस डी, इस एंड और इस एंड के बीच में ई प्लस डी, तो दो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के बीच में जो पार्ट डिफरेंस होगा दैट विल बी ई प्लस डी साइन थीटा। यहां पर ये हो जाएगा ई प्लस डी साइन थीटा। अब ई प्लस डी साइन थीटा, इसकी वजह से जो फेज डिफरेंस है वो कैलकुलेट कर लेंगे, फिर कंडीशन अप्लाई कर देंगे। सो द टू स्लिट कैन बी कंसिडर्ड एस टू सोर्सेस विद एम्पलीट्यूड आर, वेयर द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज, सपोज डेल्टा, फेज डिफरेंस 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस कितना, ई प्लस डी साइन थीटा। ओके, अब फेज डिफरेंस पता चले गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है वो फाइंड करेंगे। अब कई तरीके हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करने के, जैसे एक तो एम्पलीट्यूड को हम वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, सो रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उससे भी का अंडर रूट, या फिर जो पैरेललोग्राम लो वेक्टर एडिशन है उसका यूज कर सकते हैं दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए, वही आसान पड़ेगा, उससे भी कर सकते हैं। और जैसे लास्ट लेक्चर में हमने आर कैलकुलेट किया था, बहुत सारी वेव्स थी, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन लिखी थी ae−iω की, उससे भी कर सकते हैं, बट इजी वाला फॉलो करते हैं। यहाँ पर एक वेव तो ये है एम्पलीट्यूड आर की, और दूसरी वेव भी आर एम्पलीट्यूड की, दोनों के बीच का एंगल डेल्टा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। सो पैरेललोग्राम लो वेक्टर एडिशन, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां से जाएगा, एंगल बाइसेक्टर से, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल एम्पलीट्यूड की है वेव। सो ये भी δ/2 और ये भी δ/2, इसका एक कंपोनेंट था कोस में और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा आर साइन δ/2 और इधर आर कोस δ/2, ऐसे इधर इसका आर कोस δ/2 और इधर आर साइन δ/2, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दोनों का कितना, 2r cos δ/2, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इस आर डैश इज इक्वल टू 2r cos δ/2, आर ये रहा, सो 2a sin α/α इंटू कोस δ/2, δ/2 को हम एक नया वेरिएबल कंसिडर कर लेते हैं बीटा, δ/2 इसको लिख लेते हैं कोस बीटा, वेयर बीटा इज इक्वल टू δ/2 π/λ ई प्लस डी साइन थीटा, π/λ ई प्लस डी साइन थीटा। इंटेंसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, सो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4a² और इसका स्क्वायर, सो इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट 4a² साइन α/α इसका होल स्क्वायर और कोस स्क्वायर बीटा। अब इसमें दो टर्म बनी, एक तो ये है एक ये किसकी वजह से है, साइन α/α का स्क्वायर, ये है जो एक स्लिट की डिफरेंट सेकेंडरी वेवलेट्स है उनके सुपरपोजिशन की वजह से, मतलब डिफ्रेक्शन की वजह से, डिफ्रेक्शन पैटर्न, और ये है इंटरफेरेंस बिटवीन द सेकेंडरी वेवलेट्स कमिंग फ्रॉम द टू स्लिट्स, ये डिफ्रेक्शन टर्म बोल देंगे हम। और ये है इंटरफेरेंस टर्म, ओके। अब इनका मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है। अब एक चीज और चेक करनी है, जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनेगी उनकी विड्थ कम होगी या फिर डिफ्रेक्शन फ्रिंजेस की विड्थ कम होगी। डिफ्रेक्शन फ्रिंजेस की विड्थ क्या होती है, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, और इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के लिए कैपिटल डी लैम्डा और दो स्लिट के बीच का सेपरेशन क्या है, ई प्लस डी।
डिफ्रेक्शन फ्रिंजेस की विड्थ डी लैम्डा बाई डी, और इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के लिए डी लैम्डा अपॉन ई प्लस डी। तो जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की विड्थ है वो कम होगी क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो ज्यादा है। तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की विड्थ कम है, इसका मतलब डिफ्रेक्शन फ्रिंजेस की विड्थ ज्यादा होने की वजह से एक डिफ्रेक्शन फ्रिंजेस के अंदर बहुत सारी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस दिखाई देगी। सो हमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस का करना है कंसिडर मैक्सिमा और डिफ्रेक्शन का करना है मिनिमा। डिफ्रेक्शन मैक्सिमा के दोनों तरफ, डिफ्रेक्शन मिनिमा, और उनके बीच में बहुत सारी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनेगी मैक्सिमम। तो पहले हम इंटरफेरेंस का मैक्सिमा चेक करें और फिर डिफ्रेक्शन का मिनिमा। सो दो कंसेक्यूटिव डिफ्रेक्शन मिनिमा के बीच में कितनी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बननी है वो कंसिडर करेंगे, और फिर कौन सी मिसिंग है वो कंसिडर करेंगे। इंटरफेरेंस मैक्सिमा, इंटरफेरेंस मैक्सिमा। सो इंटरफेरेंस मैक्सिमा मतलब कोस बीटा को क्या करना है, वन। सो कोस बीटा या स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू वन, कोस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। सो यहां से बीटा कितना आ जाएगा, कोस पाई वन, कोस पाई माइनस वन, कोस जीरो वन, कोस टू पाई प्लस वन, कोस थ्री पाई माइनस वन। सो यहां लिख सकते हैं एन पाई, एम पाई ले लेते हैं या एन पाई कोई भी, वेयर एन इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री एन। सो ये सेंट्रल हो जाएगी, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड। बीटा की वैल्यू ये रही पाई बाई लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा, सो पाई बाई लैम्डा इंटू ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन पाई, पाई से पाई कैंसिल, सो ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये हो गई कंडीशन, ठीक है ना, इंटरफेरेंस मैक्सिमम की। सो हम थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, तो पोजिशन बता सकते हैं किस एंगुलर पोजिशन पर इंटरफेरेंस का कौन सा मैक्सिमम बन रहा है। सपोज एन इक्वल टू वन पर बताना है, मतलब फर्स्ट इंटरफेरेंस मैक्सिमम, तो साइन थीटा लैम्डा अपॉन ई प्लस डी, या अगर एंगल स्मॉल है तो थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन ई प्लस डी, एंगुलर पोजिशन बता सकते हैं। तो ये कंडीशन हो गई इंटरफेरेंस मैक्सिमम की। ओके, अब डिफ्रेक्शन मिनिमम। ये तो वैसे ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हम सिंगल स्लिट वाले में, बट यहां पर भी देख लेते हैं। साइन अल्फा कोन अल्फा क्या करना है हमें, मिनिमम मतलब जीरो, साइन अल्फा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू जीरो। तो अल्फा उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा जीरो, तो साइन अल्फा इक्वल टू जीरो, तो यहां से अल्फा जीरो भी हो सकता है, साइन पाई भी जीरो, साइन टू पाई भी जीरो, थ्री पाई एंड सो ऑन। बट प्रॉब्लम ये है कि जब अल्फा इक्वल टू जीरो है तो साइन अल्फा अपॉन अल्फा की वैल्यू वन, मतलब ये मैक्सिमम वाली कंडीशन हो जाएगी, तो यहां पर इसको हम कर देंगे लीव, ये नहीं है। सो अल्फा हो जाएगा एम इंटू पाई, एम इंटीजर और एम की वैल्यू क्या है, वन टू थ्री एंड सो ऑन, टू थ्री एंड सो ऑन। सो और अल्फा किसके इक्वल था, पाई डी साइन थीटा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम पाई, पाई से पाई कैंसिल, सो डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। ये कंडीशन हो गई डिफ्रेक्शन मिनिमा की। ओके, अब देखना है मिसिंग ऑर्डर, दो डिफ्रेक्शन मिनिमा के जो कंसेक्यूटिव मिनिमा है उनके बीच में कितने इंटरफेरेंस मैक्सिमा बन रहे हैं, और डिफ्रेक्शन मिनिमा के साथ कौन सा इंटरफेरेंस मैक्सिमा कोइंसाइड कर रहा है। अगर कोइंसाइड करेगा तो मिसिंग हो जाएगा, वहां पर तो मिनिमा बन रहा है, तो वही चेक करना है कौन सा मिसिंग है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है इसका। सो इस डायग्राम की तो जरूरत है नहीं फिलहाल। मिसिंग ऑर्डर्स, जहां पर डिफ्रेक्शन मिनिमा और इंटरफेरेंस मैक्सिमा कोइंसाइड करेंगे, मतलब जो एंगुलर पोजीशन है थीटा वो सेम होगी। सो साइन थीटा तो सेम है, तो दोनों कंडीशंस को यूज कर लिया। साइन थीटा यहां से एन लैम्डा अपॉन ई प्लस डी, और यहां पर
ये एम हमने लिख कर दिया एम लैम्डा, पाई से पाई कैंसिल, सो एम लैम्डा अपॉन डी, सो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, सो ई प्लस डी अपॉन डी इज इक्वल टू एन अपॉन एम। एन क्या है? इंटरफ्रेंस मैक्सिमा का ऑर्डर, और एम डिफ्रेक्शन मिनिमा का ऑर्डर, ये चीज ध्यान रखेंगे, ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस मैक्सिमा, और ये ऑर्डर ऑफ डिफ्रेक्शन मिनिमा। अब पैटर्न बनाएंगे, अब इसमें कोई भी एक एग्जांपल ले लेंगे, ई और डी में रिलेशन ले लेंगे, फिर देख लेंगे पैटर्न जो बन रहा है वो किस तरह से बनेगा, फ्रिंज पैटर्न या इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर। सो फॉर एग्जांपल ई इज इक्वल टू सपोज डी, सपोज ये ले रहे हैं दो एंड टू एंड सेपरेशन है वो स्लिट विड्थ के इक्वल, सो डी प्लस डी अपॉन डी, सो ये 2d अपॉन डी 2 हो जाएगा n बाई एम, यहां से n इक्वल टू 2m। अब यहां से अगर m इक्वल टू 1 है सो n इक्वल टू क्या 2, m इक्वल टू 2 सो n इक्वल टू 4, m इक्वल टू 3 सो n इक्वल टू 6। तो इंटरफेरेंस मैक्सिमा का कौन सा ऑर्डर मिसिंग होगा? सेकंड, फोर, सिक्स्थ, मतलब जो डिफ्रेक्शन मिनिमा है उसके साथ कौन सा इंटरफेरेंस मैक्सिमा कोइंसाइड कर रहा है? सेकंड, फोर, सिक्स, एट, तो ये सब मिसिंग हो गए। तो अब बनाएंगे पैटर्न इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिफ्रेक्शन मैक्सिमा सेंटर वाला, फिर ये फर्स्ट, ये सेकंड, और इस तरह से इधर बना देंगे, ये एनवलप है डिफ्रेक्शन मैक्सिमा वाला, डिफ्रेक्शन एनवलप बोल देंगे इसको, ओके okay, ये है एन इक्वल टू जीरो, एन इक्वल टू जीरो का मतलब मैक्सिमा, ठीक है ना, सेंट्रल मैक्सिमा। तो मिनिमा कहां पर है? एन इक्वल एम इक्वल टू वन, मिनिमा कहां पर है? एम इक्वल टू वन, एम इक्वल टू टू, एम इक्वल टू थ्री, ये मिनिमा है। अब क्या देखना है हमें, जो इंटरफ्रेंस मैक्सिमा है वो कौन सा मिसिंग है एन इक्वल टू टू, तो m इक्वल टू वन के साथ कौन सा कोइंसाइड कर रहा है n इक्वल टू टू, m इक्वल टू टू के साथ n इक्वल टू फोर, m इक्वल टू थ्री के साथ n इक्वल टू सिक्स, ये मिसिंग है। तो जब मिसिंग है तो कौन सा मैक्सिमा बनेगा इस सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर? एक तो n इक्वल टू जीरो, एक तो n इक्वल टू जीरो, और एक n इक्वल टू वन, मतलब एक तो सेंट्रल इंटरफ्रेंस मैक्सिमा बनेगा, एक फर्स्ट इंटरफ्रेंस मैक्सिमा, तो ये तो सेंट्रल इंटरफ्रेंस मैक्सिमा, ये फर्स्ट और फिर सेकंड वाला तो कोइंसाइड कर जाएगा ऐसे, इधर ये सेंटर और इधर भी फर्स्ट, और ये कर जाएगा कोइंसाइड। तो ये है n इक्वल टू जीरो, ये है n इक्वल टू वन, ये भी n इक्वल टू वन, n इक्वल टू टू मिसिंग है, ये भी मिसिंग, ये भी मिसिंग, सो n इक्वल टू वन, n इक्वल टू टू मिसिंग, तो यहां पर कौन सा n इक्वल टू थ्री, n इक्वल टू फोर मिसिंग, n इक्वल टू फाइव, तो ये n इक्वल टू फोर, सॉरी थ्री, फोर तो मिसिंग है, फोर मिसिंग, और यहां n इक्वल टू फाइव, ऐसे इधर बना देंगे पैटर्न, ये m इक्वल टू वन, n इक्वल टू टू, ये n इक्वल टू थ्री, n इक्वल टू फाइव, ये m इक्वल टू टू, n इक्वल टू फोर मिसिंग, ऐसे यहां पर n इक्वल टू सिक्स, ये बन जाता है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर। तो जो सेंट्रल मैक्सिमा, ये जो डिफ्रेक्शन एनवलप है सेंट्रल वाला, उसके अंदर कितने इंटरफेरेंस मैक्सिमा है? एक, दो, तीन। आप इससे भी कंसीडर कर सकते हो, देखो कौन सा मिसिंग है, सबसे पहला फर्स्ट डिफ्रेक्शन मिनिमा के साथ कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? टू, तो इसमें टू की मल्टीप्लाई करके माइनस वन कर देंगे, जो फर्स्ट वाला कोइंसाइड करता है, मतलब फर्स्ट मिसिंग इंटरफेरेंस मैक्सिमा, सो टू इंटू टू माइनस वन, फोर माइनस वन थ्री,
सो थ्री इंटरफ्रेंस मैक्सिमा लाई कर रहे हैं विद इन द सेंट्रल डिफ्रेक्शन मैक्सिमा. सो जो फर्स्ट मिसिंग होता है उससे ऐसे देख सकते हैं, अदरवाइज आप पेनवेला बनाएंगे तो काउंट करके पता चल जाएगा कितने इंटरफ्रेंस मैक्सिमा लाई कर रहे हैं विद इन द सेंट्रल डिफ्रेक्शन मैक्सिमा. अब इनकी अगर लोकेशन देखनी हो, देखो ये रही इंटरफ्रेंस मैक्सिमा की लोकेशन, यहां से साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा बाई ई प्लस डी. तो ये जो मैक्सिमा है सेंटर वाला है तो जीरो है, तो यहां पर ये एन इक्वल टू वन है, तो इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी यहां पर, सपोज थीटा वन है, थीटा टू तो मिसिंग है, ये थीटा थ्री और ये थीटा फाइव. सो थीटा वन किसके इक्वल, साइन थीटा वन लैम्डा अपॉन ई प्लस डी, साइन थीटा टू टू लैम्डा बाई ई प्लस डी जो मिसिंग है, साइन थीटा थ्री थ्री लैम्डा अपॉन ई प्लस डी. तो एंगुलर पोजिशन भी हम यहां पर बता सकते हैं कौन से वाले इंटरफ्रेंस मैक्सिमा की एंगुलर पोजिशन क्या है इस कंडीशन का यूज करके. इससे डिफ्रेक्शन मिनिमा की बता सकते हैं, जैसे यहां पर डिफ्रेक्शन मिनिमा है m इक्वल टू टू, सेकंड डिफ्रेक्शन मिनिमा, तो इससे क्या हो जाएगी एंगुलर पोजिशन, साइन थीटा इज इक्वल टू टू इंटू लैमडा बाई डी. ओके, अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, अगर e इक्वल टू टू डी हो तो ऐसे ही बनाने हैं, दो एग्जाम्पल और ले लेंगे, e इक्वल टू टू डी इक्वल टू थ्री डी, तो इससे आप अच्छे से समझ जाएंगे इन चीजों को. सपोज e इक्वल टू टू डी, सो e प्लस डी अपॉन डी इज इक्वल टू, सो e इक्वल टू टू डी, टू डी प्लस डी थ्री इज इक्वल टू एन अपॉन एम. सो यहां से n इक्वल टू थ्री, सो m इक्वल टू जीरो, सॉरी m इक्वल टू वन फर्स्ट मिनिमम डिफ्रेक्शन, इंटरफ्रेंस का कौन सा मैक्सिमा होगा थर्ड, एम इक्वल टू टू, सो एन इक्वल टू सिक्स, ये इंटरफ्रेंस मैक्सिमा है जो मिसिंग है, एम इक्वल टू थ्री, एन इक्वल टू नाइन. ओके, तो ये मिसिंग है, अब बनाइए एनवेलप. ये सेंटर, ये फर्स्ट, ये सेकंड, इधर वाला आप अपने आप बना लेंगे. ये सेंट्रल, दैट मींस m इज इक्वल टू जीरो, m इज इक्वल टू वन, m इज इक्वल टू टू, m इज इक्वल टू थ्री. डिफ्रेक्शन के लिए कौन सा मिसिंग है, n इक्वल टू थ्री, सो ये n इक्वल टू थ्री ये मिसिंग है, n इक्वल टू सिक्स मिसिंग, n इक्वल टू नाइन्थ मिसिंग. सो कितने बनेंगे यहां पर देख लो, थ्री इंटू टू माइनस वन फाइव बनेंगे, आप डायग्राम बना लो. तो कौन सा बनेगा, तो सेंट्रल एक n इक्वल टू वन, इन n इक्वल टू टू थ्री मिसिंग है, सो n इक्वल टू वन, सॉरी n इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा, ये n इक्वल टू वन, ये n इक्वल टू टू और ये थ्री मिसिंग. सो ये है n इक्वल टू जीरो सेंट्रल, n इक्वल टू वन, n इक्वल टू टू थ्री मिसिंग, फिर यहां पर फोर और फाइव, और फाइव, फिर सेवन और एट, सो एन इक्वल टू फोर, एन इक्वल टू फाइव, एन इक्वल टू सेवन, एन इक्वल टू एट, ऐसे इधर बना देंगे. अब अगर इनकी एंगुलर पोजिशन बतानी है, सो ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैमडा, सो साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैमडा अपॉन ई प्लस डी. सो सपोज ये है थीटा वन, ये थीटा टू, थीटा थ्री, थीटा फोर, ये थीटा फाइव. सो लिख दो साइन थीटा वन इसके इक्वल एन इक्वल टू वन, सो लैम्डा अपॉन ई प्लस बी, सो थीटा वन क्या हो जाएगा साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन ई प्लस बी. ओके, ऐसी हर एक के लिए लिख सकते हैं. सपोज थीटा फाइव लिखना है, सो थीटा फाइव किसके इक्वल साइन इनवर्स फाइव लैम्डा अपॉन ई प्लस बी.
अगर डिफ्रेक्शन मिनिमा के लिए लिखना है, जैसे यहाँ पर डिफ्रेक्शन मिनिमा उसकी कंडीशन क्या है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। सो कौन सा सपोज एम इक्वल टू टू लिखना है, सो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू टू लैम्डा बाई डी। सो इसके लिए हो जाएगा थीटा साइन इनवर्स टू लैम्डा बाई डी, कोई भी लिख सकते हैं। सो ये हो गया ई इक्वल टू टू डी के लिए, ए को लेते हैं ई इक्वल टू थ्री डी। सो अगर यहां पर लेते हैं थ्री डी, सो थ्री प्लस वन फोर, सो ये फोर, सो एन इक्वल टू फोर एम, सो एम इक्वल टू वन, सो एन इक्वल टू फोर, टू के लिए ये एट हो जाएगा और ये फोर इंटू थ्री ट्वेल्व। एनवेलप एम इक्वल टू जीरो, एम इक्वल टू वन, एम इक्वल टू टू, एम इक्वल टू थ्री। ओके, अब एम इक्वल टू जीरो पर तो सेंट्रल इंटरफ्रेंस मैच से बनेगा, एम इक्वल टू वन के साथ कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, एन इक्वल टू फोर, एम इक्वल टू टू के साथ n इक्वल टू एट, और यहां पर n इक्वल टू ट्वेल्व जो मिसिंग है, ठीक है ना, मिसिंग इंटरफेरेंस मैक्सिमा। सो देखो कितने बनेंगे इसके अंदर, फोर इंटू टू माइनस वन, एट माइनस वन सेवन बनेंगे, काउंट कर लेंगे। सो ये तो सेंट्रल इंटरफेरेंस मैक्सिमा n इक्वल टू जीरो, फिर वन टू और थ्री, फोर्थ मिसिंग है, वन टू और थ्री, एन इक्वल टू जीरो, एन इक्वल टू वन, एन इक्वल टू टू, एन इक्वल टू थ्री, फोर्थ मिसिंग है, ऐसे इधर ठीक है। सो इसके लिए एंगल आप थीटा वन ले लेंगे, जैसे अभी लिखा है थीटा वन, ये थीटा टू, अगर किसी की बतानी है एंगुलर पोजीशन, ये थीटा थ्री, तो कितने बन गए देखो, एक तो सेंटर वाला, तीन इधर है, तीन इधर, सेवन। अब यहां पर एट मिसिंग है, तो फाइव सिक्स सेवन, फाइव सिक्स सेवन, फिर नाइन टेन इलेवन, ठीक है ना, बाकी सब आप एंगुलर पोजीशन लिख सकते हैं, डिफ्रेक्शन मिनिमा, ये डिफ्रेक्शन मिनिमा और ये इंटरफेरेंस मैक्सिमा, जैसे हमने इससे पहले वाले में लिखी वैसी कोई भी लिख लो। एन इक्वल टू सपोज सिक्स लिखना है, तो सिक्स लैम्डा अपॉन ई प्लस डी, और ई प्लस डी ये यूज कर लेंगे, ठीक है ना, ई प्लस डी, जैसे यहां पर ई इक्वल टू थ्री डी है, सो सपोज सिक्स लिखना है, सिक्स इंटरफेरेंस मैक्सिमा, सपोज ये लिखना है, so e plus d sin theta is equal to 6 lambda, e किसके equal 3d, so 4d sin theta is equal to 6 lambda, so sin theta 6 equal to 3 lambda upon 2d, so theta 6 comes out to be sin inverse 3 lambda upon 2d, कोई भी, okay। अब इसमें जो ये interference intensity distribution हमने लिया, इसमें कुछ फैक्टर्स पर डिपेंडेंसी है, वो फैक्टर्स एक बार चेक कर लेते हैं। एक तो ये ई है, एक डी है और एक लैम्डा, ठीक है ना, ई डी लैम्डा, डी और लैम्डा। तो इस इन फैक्टर्स पर जो ये हमने इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ किया है, इस पर क्या फर्क पड़ेगा ये देख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटेंसिटी
डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, फर्स्ट डी क्या है, स्लिट विड्थ। ओके, अब देखो दो कंडीशन थी, ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा और डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। ये इंटरफेरेंस के लिए और ये डिफ्रेक्शन के लिए, ये इंटरफेरेंस और ये डिफ्रेक्शन। इंटरफेरेंस विड्थ एंगुलर विड्थ लैम्डा अपॉन ई प्लस डी और डिफ्रेक्शन के लिए लैम्डा अपॉन डी, ठीक ना, या लीनियर विड्थ आप ये कंसीडर कर सकते हैं। कौन से वाली ज्यादा है, जो डिफ्रेक्शन विड्थ है वो ज्यादा है, ठीक है ना, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर स्लिट विड्थ चेंज करते हैं, स्लिट विड्थ तो यहां पर भी अगर इसको इंक्रीज करेंगे, सपोज स्लिट विड्थ इंक्रीज की है सपोज, देन क्या फर्क पड़ेगा। अगर यहां पर इंक्रीज करें तो जो डिफ्रेक्शन की विड्थ है डी इंक्रीज करने से कम हो जाएगी, मतलब जो डिफ्रेक्शन एनवलप है वो नैरोवर हो जाएगा, और यहां पर भी फर्क पड़ेगा डी, लेकिन ई भी तो है इसके साथ, तो यहां पर ज्यादा चेंज नहीं होगा, बट इसमें चेंज ज्यादा होगा, तो जो डिफ्रेक्शन एनवलप है वो नैरोवर हो जाएगा इन कंपेरिजन टू इंटरफ्रेंस, जो ये फ्रिंजिस है इन, ये भी नैरोवर होगी बट ये कम होगी, डिफ्रेक्शन एनवलप ज्यादा कम हो जाएगा। जैसे हमने इसको डी को डबल कर दिया तो ये तो हाफ हो जाएगा, और यहां डी को डबल करेंगे तो हाफ नहीं होगा क्योंकि ई भी है साथ के साथ, सो इंटरफ्रेंस जो फ्रिंजिस है उनकी विड्थ कम हो जाएगी, बट नॉट इन कंपेरिजन टू डिफ्रेक्शन, जो ये डिफ्रेक्शन मैक्सिमम इसकी विड्थ, तो डिफ्रेक्शन एनवलप नैरोवर हो जाएगा, तो इसकी वजह से जो इंटरफेरेंस मैक्सिमा बन रहे हैं सेंट्रल डिफ्रेक्शन मैक्सिमा के अंदर, उनकी काउंटिंग कम हो जाएगी क्योंकि ये नैरोवर हो जाएगा, देन डिफ्रेक्शन एनवलप बिकम्स नैरोवर, नैरो, सो लेसर नंबर ऑफ इंटरफेरेंस मैक्सिमम्स विद इन द सेंट्रल डिफ्रेक्शन मैक्सिमम। सेकेंड ई एंड टू एंड स्लिट सेपरेशन। अब यहां पर देखो ये तो ई पर डिपेंड नहीं कर रही, केवल ये जो इन जो डिफ्रेक्शन इंटरफेरेंस वाली विड्थ है वो डिपेंड कर रही है ई पर, सो अगर ई इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब जो डिफ्रेक्शन एनवलप है वो तो सेम रहेगा और इंटरफेरेंस की फ्रिंजिस की विड्थ कम हो जाएगी, तो अब ये पास पास हो जाएगी, तो अब नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजिस सेंट्रल डिफ्रेक्शन मैक्सिमा के अंदर ज्यादा बनेगी, इंक्रीजेस देन इंटरफेरेंस विड्थ बिकम्स लोअर, लेसर या लोअर, सो मोर नंबर ऑफ इंटरफेरेंस मैक्सिमम्स विद इन सेंट्रल डिफ्रेक्शन मैक्सिमम। थर्ड वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ इंक्रीज करेंगे ये भी इंक्रीज, ये भी इंक्रीज, अगर ये डबल ये भी डबल, तो जो डिफ्रेक्शन एनवलप है वो भी डबल हो जाएगा, इंटरफेरेंस फ्रिंजिस की विड्थ भी डबल हो जाएगी, तो जो फ्रिंज पैटर्न इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ये जो फ्रिंजिस है उनको सेपरेट कर देगा, मतलब दूर दूर हो जाएगी, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर अब उतनी ही इंटरफेरेंस फ्रिंजिस बनेगी जितनी पहले बन रही थी, क्योंकि दोनों का साइज डबल हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काउंटिंग उतनी रहेगी, बोथ डिफ्रेक्शन विड्थ एंड इंटरफेरेंस विड्थ इंक्रीजेस, दैट इज फ्रिंजेस बिकम्स फार्दर अपार्ट बट
नंबर ऑफ इंटरफेरेंस मैक्सिमास विद इन सेंट्रल डिफ्रेक्शन मैक्सिमम. Remains same. अब एक चीज और कवर कर लेते हैं, जैसे हमने ये विड्थ पढ़ी, एंगुलर पोजीशन ये भी देख लेते हैं एक बार. जैसे ये है दो विड्थ, दो स्लिट, एक ये एक. अगर लेते हैं डिफ्रेक्शन विड्थ, तो यहां पर सेंट्रल डिफ्रेक्शन मैक्सिमा ये, ओके. अब यहां पर फर्स्ट मिनिमा और इधर भी फर्स्ट मिनिमा, तो यहां बनेगा सेंट्रल डिफ्रेक्शन. अब इसकी विड्थ देखनी है हमें, तो ये फर्स्ट मिनिमा का एंगल कितना होता है, ये थीटा, और डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा. सो साइन थीटा एम इक्वल टू वन फर्स्ट डिफ्रेक्शन मिनिमम के लिए, सो लैम्डा बाई डी, और ये नियरली ले लेता है थीटा, बिकॉज कैपिटल डी इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू स्मॉल डी. सो थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी, और एंगुलर सेपरेशन किसके इक्वल हो जाएगा, टू थीटा, ये भी थीटा ये भी थीटा. सो एंगुलर विड्थ या एंगुलर स्प्रेड भी बोल सकते हैं, टू थीटा दैट मीन्स टू लैम्डा बाई डी. और अगर लीनियर विड्थ ले ये, तो ये किसके इक्वल, बीटा अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू थीटा. सो लीनियर विड्थ बीटा इज इक्वल टू डी इंटू टू थीटा. सो टू डी लैम्डा बाई डी, और डी किसके इक्वल, फोकल लेंथ, जो हम लेंस यूज करते हैं टू ऑब्जर्व द सफिशियंट इंटेंसिटी एट द स्क्रीन, जिससे ज्यादा से ज्यादा लाइट वेव्स यहां पर फोकस हो जाए जिस पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. सो ये टू डी टू एफ लैम्डा बाई डी, ये तो है डिफ्रेक्शन के लिए डिफ्रेक्शन विड्थ. और अगर इंटरफेरेंस विड्थ देखे तो इंटरफेरेंस विड्थ, ये पहली स्लिट ये दूसरी स्लिट दोनों के बीच में सुपरपोजिशन, तो यहां से वेव्स लगेगी यहां से, ठीक है ना, इस तरह से. तो यहां पर बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट मिनिमा, ये भी फर्स्ट मिनिमा, तो इनके बीच में सेंट्रल. यहाँ पर ठीक है ना, ये सपोज बीटा डैश ले लेते हैं, ये वही कैपिटल डी, इनके बीच बनेगा जो सेंट्रल इंटरफेरेंस मैक्सिमा है. अब सेंट्रल इंटरफेरेंस मैक्सिमा के लिए या इसकी कंडीशन के लिए ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू क्या है, एन लैम्डा, यहाँ पर तो एम लिया है, ये था. और इसमें भी जो ये है सेपरेशन दोनों के बीच में ई प्लस डी, और ये है कैपिटल डी, तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की विड्थ बीटा डैश ये होती है डी लैम्डा बाई डी, जहां डी होता है ये तो स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का सेपरेशन, और ये होता है स्लिट सेपरेशन, स्लिट सेपरेशन. तो क्या हो जाएगा बीटा डैश, डी तो वही है लैम्डा, और ये क्या है स्लिट सेपरेशन ई प्लस डी, और डी को लिख सकते हैं एफ, सो एफ लैम्डा अपॉन ई प्लस डी, तो ये जो मैंने स्टार्टिंग में बताया. तो एंगुलर सेपरेशन लैम्डा अपॉन ई प्लस डी, और इसके लिए 2 लैम्डा अपॉन डी. सो ई प्लस डी लार्जर है, तो इसके इसका मतलब ये कम होता है, जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की विड्थ होती है वो कम होती है, और डिफ्रेक्शन फ्रिंजेस की विड्थ ज्यादा होती है. आप ये सोच रहे होंगे इसमें 2 है, एक्चुअल में जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होती है डिफ्रेक्शन पैटर्न की, उसकी विड्थ बाकी सब सेकेंडरी मैक्सिमा कंपैरिजन में डबल होती है. सो सेंट्रल मैक्सिमा की ये ट्वाइस होती है, अगर और सेकेंडरी मैक्सिमा लेंगे डिफ्रेक्शन में, सो ये 2 नहीं आता, डी लैम्डा बाई डी एफ लैम्डा बाई डी. ओके, सो दिस वाज द फ्रोनोफर डिफ्रेक्शन ड्यू टू डबल स्लिट. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग.